लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। ऑक्सीजन की कमी पूरे नवी मुंबई में, पूरे राज्य में, पूरे देश में हमें देखने को मिली। जब ये सेकेंड वेव आई तो ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई और हर चीज़ का शॉर्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिला, और उसमें सबसे बड़ा शॉर्टेज ये ऑक्सीजन का था। अच्छी बात यह है कि नवी मुंबई में ऐसी बात नहीं हुई कि कोई समय पर ऑक्सीजन के वजह से किसी रुग्ण की मृत्यु हुई है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी कि 3 दिन के बाद में ऑक्सीजन की क्षमता खत्म हो जाएगी, आवश्यकता रहेगी, लेकिन हमें सब लोगों ने, मीन्स लोक प्रतिनिधि हो, महानगर पालिका की प्रशासन हो और सब यंत्रणा के सहकार्य से हम लोग उसको पूरा कर पाए। लेकिन ये शॉर्टेज तो था, क्योंकि नवी मुंबई के माध्यम से कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन और शहरों में ये शॉर्टेज हुआ है। महानगर पालिका, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, कुछ NGOs ये ऑक्सीजन बनाने का, ये प्लांट्स के अलग अलग तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं, ये सही में सबको फायदेमंद रहेंगे। और ये निसर्ग, ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री है। तो हम लोग अगर ट्री प्लांट करेंगे, सही जगह पे सही ट्री प्लांट करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, तो नेचुरली ऑक्सीजन हमारे शहर में क्रिएट होगा और ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए ये फायदेमंद रहेगा। हर चीज़ में ऑक्सीजन ये ज़रूरी है। महानगर पालिका खुद का जो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है, उसके लिए कैप्टिव यूनिट्स खुद के बनाने की आवश्यकता है। वो हर एक हॉस्पिटल के स्तर पे होने चाहिए, ये विभाग स्तर पे होने चाहिए, नोड स्तर पे होने चाहिए, और हमारे शहर की ज़रूरत पूरी करने के बाद और शहरों को भी ऑक्सीजन देने की क्षमता हमारे शहर में आनी काफ़ी ज़रूरी है। महानगर पालिका के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट और बाहर के लोगों की रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग पूरा कर पाए। देखिए कि अभी बड़ी संख्या में प्लांट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जब भी ज़रूरत थी तब ये प्लांट्स नहीं थे, लेकिन अभी आने वाले समय में हर जगह पे ये प्लांट लगाए जाएंगे। ऐसे समय ये प्लांट्स वापस यहाँ पे वैसे ही जगह पे है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वो भंगार में गए, और वापस कभी 3 साल के बाद में इसकी ज़रूरत आई तो वापस हम लोग उसको रिपेयर करते बैठे और उसका यूज़ नहीं हुआ। ऐसी चीज़ न हो, उसके लिए हमारा कैप्टिव कंजम्पशन हम लोग पूरा करते हुए उसको मेंटेन करके हमें और प्राइवेट लोगों को ये ऑक्सीजन सेल करने का भी प्रयास महानगर पालिका से होना चाहिए। एक बिजनेस भी होगा और जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो मेंटेन होगा, और सही में जब उसकी यूटिलाइजेशन करने की बात आएगी तो हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है।